हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक चोक के रिगार्डिंग, जो बेसिक पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं जब भी आप नेक चोक में सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो, और उस टाइम पे आप कौन कौन से डिफेंसिव मूव्स आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एंड तो चलो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किसी ने आपका डबल नेक चोक कर रखा है तो उस टाइम पे आप कौन कौन से मूव्स यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब भी आपको किसी ने नेक चोक कर रखा होगा तो मोस्टली लोग ऐसे हाथों से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान है उससे आप ऐसे नहीं छुड़वा पाओगे। जितना मर्जी कोशिश कर लो, जैसे मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ अभी, मेरा नहीं छुड़वा पाएगी जितना मर्जी कोशिश कर ले। तो इसके लिए कंडीशन इसके लिए बुरी होने वाली है। सो जो बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हाथ छुड़वाते हो या फिर ग्रिप से छुड़ना होता है, तो एक बेसिक रूल आपको याद रखना है। इसने मेरा हाथ पकड़ा है, देखो। तो जब भी आप हाथ छुड़वाने की बात करते हो, अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ करोगे कभी भी नहीं छूटेगा। मान लो इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो यही सेम चीज़ होती है। ग्रुप भी आपको ग्रुप से छूटना होता है तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि जहाँ पे ग्रिप का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, लाइक ये चार फिंगर्स, उस साइड अगर आप मूव करोगे तो छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको वीक पोर्शन देखना है। तो इसका जो थंब है, थंब ऐसी है जो अकेला होता है ग्रिप में, हमेशा ही थंब अकेला रहता है। तो आपको थंब की तरफ प्रेशर देना है और हाथ निकालना है, और यही सेम आप ग्रिप में भी करते हो। लाइक मैंने ग्रिप दे रखा है, तो अगर आप नोटिस करोगे कि मैंने, अगर आप नोटिस करोगे मैंने अपने थंब से उसके गर्दन को ऐसे पकड़ रखा है। सो अगर आप पीछे की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको प्रेशर देना है थंब के ऊपर। तो जैसे मैंने इसका अपनी गर्दन को स्क्वीज करी, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, फिर नीचे की तरफ प्रेशर देना है, नीचे की तरफ प्रेशर देना है और निकल जाना है, और निकल के भागना है, क्योंकि एस्केप की सिचुएशन है, आपको हमेशा ही भागना है सिचुएशन से। अगर फाइट बैक करने की कोशिश करोगे अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ में, तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप एस्केप की बात कर रहे हो, तो बेसिकली इसने मुझे पकड़ रखा है, तो अगर मैं इसको हाथ को ऐसे छुड़ाने की कोशिश करूँगी तो नहीं होगा। और मेरे पास ये 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में मैं अपने नेक को थोड़ा सा स्क्वीज करूँगी, नेक मसल्स को, देन नीचे की तरफ जाना है एंड अप और भाग जाना है उस सिचुएशन से। जितना जल्दी हो सके आपको भागना है, ये बेसिकली फर्स्ट चीज़ है। और इसके अलावा इसके साथ में आप और क्या कर सकते हो, देखो इसने मुझे ग्रिप कर रखा है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इसके लिए है, जिसके लिए शायद वो खुद भी प्रिपेयर ना हो, कि मैं यहाँ से नी उठा के उसके वीक पार्ट पे हिट कर सकती हूँ। लेकिन जब भी बात वीक पार्ट पे हिट करने की होती है, बहुत इजी है हिट करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका अटैक सही इंटेंसिटी से नहीं लगा, या फिर हो सकता है सामने वाला ड्रंकन हो, ड्रग एडिक्ट हो, तो उसको जो पेन फील होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जो नॉर्मल इंसान होती है उनसे। तो हो सकता है उन लोगों का रिस्पॉन्स कुछ अलग मिले आपको। लेकिन आपके पास ऑप्शन ये भी कि अगर इसने वो दोनों हाथों से ग्रिप कर रखा है गर्दन को, तो आप नी अटैक दे सकते हो। बेसिकली अभी मैं सबसे पहले आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, जो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मेल और फीमेल के वीक पार्ट पे जब भी आप हिट करो उसमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली अगर मैं किसी फीमेल को हिट कर रही हूँ तो मुझे उसके लेग्स के बीच में ग्रोइन एरिया पे अटैक करना होता है। ये बेसिकली गर्ल्स की टर्म है कि नी आप डायरेक्टली उठा के नी के, मतलब गर्ल के वीक पोर्शन पे लेग्स के बीच में हिट करते हो, तो दैट्स द मेन डिफरेंस। और अगर आप मेल की बात करें तो मेल का ये वाला पोर्शन है वो एक्सपोज्ड होता है, तो आपको सीधा डायरेक्टली उठा के नी ऊपर की तरफ करना है। तो टारगेट एंगल है, वो जो टारगेट ऑर्गन है वो टोटली डिफरेंट है। तो आप जिस इंटेंसिटी से हिट करने वाले हो वो टोटली डिफरेंट होने वाली है। सो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये सिचुएशन किसी भी फाइट में हो सकती है, मेल टू फीमेल फाइट या फीमेल टू मेल फाइट, जहाँ पे आपको किसी ने नेक चोक कर रखा है। तो मेल और फीमेल किसी की टर्म में भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। लेकिन तो बी केयरफुल, कुछ अटैक ऐसे होते हैं जो कि अपने वाले को और एग्रेसिव बना देते हैं। सो जब भी आप अटैक ले रहे हो, इतना फास्ट अटैक करना, इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो आपका सक्सेसफुल हो, और अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहो साथ के साथ ही। मान लो मेरा एक अटैक, मान लो अगर ये अटैक मेरा मिस हो जाता है तो मुझे क्या करना है, अगर वो थोड़ा सा डिसबैलेंस तो हो जाएगा, 1 सेकंड का टाइम आपके पास फिर भी होगा। तो जैसे इसमें मेरा गर्दन पकड़ रखी है, मान लो ये मिस हो गया, तो ये थोड़ा सा खुद को बचाने के लिए आगे पीछे होगा, तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। तो इस चीज़ का आपको यूज़ करना है। तो बी अलर्ट, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हो ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन सिचुएशन को आप ईजिली हैंडल कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको फोकस के साथ और
काम रह के एक्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपके लिए यूजफुल होगा, एंड डू शेयर इट विद अदर्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टा आईडी इज amandeep.rajput.75। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। बाय बाय।